हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक कॉमन सी प्रॉब्लम जो टैली में अक्सर आपको आती है, अगर आप भी मेरी तरह बिगनर हैं तो आपको भी ऐसी दिक्कत आएगी। अब वो दिक्कत क्या है जरा समझिएगा। जब भी आप कोई नया लेजर क्रिएट करते हैं उसी दौरान ये दिक्कत आएगी आपको। अब जैसे यहाँ क्रिएट पे गए, ये टैली की मेन मेन्यू है, ये तो आपको पता ही है, गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ, ये टैली की मेन मेन्यू है। आप क्रिएट पे गए और क्रिएट पे जाने के बाद लेजर पे गए और लेजर पे जाने के बाद डबल क्लिक किया, ये आ गए। अब यहाँ पर हम लेजर, जैसे मान लीजिए हमने बना लिया परचेज अकाउंट, अब ये परचेज अकाउंट का लेजर बना रहे हैं। एंटर किया, 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 एंटर किया और इसे एक्सेप्ट करा दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं परचेज अकाउंट का लेजर बन गया है, ठीक है। अब जब हम एंट्री पास करने जाते हैं, जैसे मान लीजिए वी प्रेस करके और चले जाते हैं परचेज वाउचर में, और यहाँ पर हमें एंट्री पास करनी है, तो परचेज वाउचर के लिए क्या दबाते हैं? परचेज वाउचर के लिए जाहिर सी बात है हम F9 दबाएंगे या यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम परचेज वाउचर में आ जाते हैं। और यहाँ पर जैसे ही आते हैं एंटर करते हैं तो यहाँ सप्लायर का इनवॉइस नंबर आता है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर आएगा कैश, ठीक है। तो कैश हो गया, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर रेगुलर कंपोजिशन जो भी आपका होता हो वो यहाँ पे रख करके एंटर करिएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने परचेज का लेजर बनाया था लेकिन यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि दूसरा बनाए, तो जैसे ही आप दूसरा बनाएंगे तो ये देखिए ये PURCHASE परचेज अकाउंट करके दूसरा बनाया तो यहाँ पे दिक्कत ये भी आती है कि यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर अ डिफरेंट नेम। तो भाई हम डिफरेंट नेम देने क्यों जाए जब हमने बनाया है तब? क्योंकि आपने ग्रुप नहीं देखा सही से, इसी की वजह से यह दिक्कत आई। तो ग्रुप अगर गलत करेंगे तो ये दिक्कत हमेशा बनी रहेगी। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो बाहर आ जाना है। बाहर आने के लिए एस्केप बटन प्रेस करना है, एस्केप बटन प्रेस करके बाहर आइए और यहां से क्या करना है आपको अल्टर ऑप्शन पे जाना है। ये जो अल्टर दिख रहा है यहां पे चले जाइए और यहां पर जाने के बाद क्या करना है, लेजर को अल्टर करना है। कौन सा लेजर था? परचेज अकाउंट। तो जैसे ही आते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि कैपिटल अकाउंट आपने डाल दिया। परचेज का ग्रुप क्या होता है? परचेज अकाउंट होता है, आपने कैपिटल अकाउंट डाल दिया। अब यहाँ पर इसे परचेज अकाउंट करके सही करके एंटर करके तब एक्सेप्ट कराइए। अब जो है ये सही हो गया, तो अब यहाँ पर जब भी आप एंट्री पास करेंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। देखिए सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाला, एंटर किया, एंटर किया, यहाँ पे मान लीजिए कैश ही कर देते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, ये एंटर करते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पे देखिए ये परचेज अकाउंट तुरंत शो होने लगेगा। तो ये दिक्कत अगर आपको आ रही है तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। उम्मीद करता हूँ इससे प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।